डालेगा वो होती थी लेकिन मजबूरी है। मेरी फेवरेट चीजें मैं नहीं खा सकती। आपके जुड़वा बच्चे हैं मतलब मेरा पेट वगैरह बड़ा काम लग चुका है यहाँ पर अभी, तो गर्मी इतनी हो रही ऊपर से फिर जाम लग रहा है यार। ये फेस देख के लग रहा है कि ये खुशी हो खुशी काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है खुशी मेरे को बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि सारे तारे तोड़। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज ना मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ घर, जाम खुल गया शायद यार स्टार्टिंग के साथ ही। आज जल्दी जा रहा हूँ घर क्योंकि ना दुकान पर लाइट ही नहीं है मेरी सुबह से यार। इन्वर्टर पे काम कर रहा था, वो भी इन्वर्टर पे बैठ चुका है, तो आज 1 बज रहा है अभी, तो मैं घर निकल रहा हूँ अभी। तो दिन भर तो क्या ही करूँगा ना, लाइट के बिना कुछ होता नहीं है ना मेरा काम। गर्म इतना हो रहा है ना क्या बताऊँ, और आज शायद जिम भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ना दिन भर क्या ही करूँ यार भाई, जिम तो अभी खुला नहीं है वैसे भी। तो दोस्तों जाम तो हट गया है और बहुत ज्यादा गर्म होता है यार आगे जाम में। आज मैं नीलू लेके आया था, तो नीलू लाने का रीजन ये था कि आज मुझे ले आते हैं अंडे की पेटी, क्योंकि स्कूटी में तो वो जा नहीं पाएगा ना, अंडे की पेटी इतनी बड़ी होती है भाई। तो आप जल्दी भी जा रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। सो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं और ना अभी 2 बज रहे दिन के, तो सब सोए होंगे, क्या ही डिस्टर्ब करता है यार, अभी नींद ख़राब हो जाती है सबकी, तो डिस्टर्ब नहीं करता हूं, चुपचाप चलता हूं मैं बस। सो गाइस शाम हो चुकी है और ना ये लोग उठ चुके हैं, ये देखो ये इनको ना इनका उठने का इंतज़ार करना पड़ता है हमको। 5 बजे हैं, 5 बजे उठते हैं हम लोग। वाह, और ना मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है आज देखो। और आजकल हमारे पहाड़ में क्या चल रहा है, हर जगह गज्जो काटना और चल रहा है कुछ, और कुछ मेले चल रहे हैं। हाँ हमारे पहाड़ों में हर जगह मेले चल रहे हैं। चलो हमारी बातों ही चलते रहेंगे, आप हम आपको मिलते हैं शाम को। और ना थोड़ा सा फैमिली टाइम भी जाना बहुत जरूरी है ना, इसी रीजन से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं इस बीच। जब हम लोग सब नीचे थे तो मेरे हस्बैंड जी ना डुगू को देखने गए कि कहीं उठ तो नहीं गया करके, तो उसको देखने गए हैं, बाकी ना मैं शाम को ऐसे घूम रही हूँ। तुम्हारे पोथी में चलते इतनी गाड़ियाँ, अभी दूसरे दिन जाना, वहाँ उतरैनी हुई रहती है, तुम्हारे गांव में हुई रहती है उतरैनी। जंगल है तुम्हारा गांव तो जंगल में रहते हो तुम, जंगल में। यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ चल रहे, देखो रोड पे अभी आएंगे, रुको अभी दिखाऊंगा। बारिश होती है तो यहाँ के लोग सो भी नहीं पाते हैं गधेरे में, अच्छा ताकि ऊपर से पहाड़ तो नहीं टूट रहे। तो गाइस ये है मेरी फेवरेट कार, कब लेंगे भूमि इसको हम? बहुत जल्द, अभी शाम का टाइम है और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी क्यों ना आपके कमेंट के आंसर दिए जाए। आप लोगों में से काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपके तो जुड़वा बच्चे होने वाले थे और आपके जुड़वा बच्चे क्यों नहीं हुए, और काफी लोग कमेंट कर रहे थे, काफी नहीं एक दो लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि आपने कॉन्टेंट के लिए बोला कि आपके जुड़वा बच्चे होने वाले हैं लेकिन आपके जुड़वा बच्चे नहीं हुए। हमने बोला था कि हमारे जुड़वा बच्चे नहीं हैं, आप लोगों में से किसने कमेंट किया था कि आपके जुड़वा बच्चे हैं मतलब मेरा पेट वगैरह बड़ा देख के, तब बोला था आप लोगों ने। तो हमने उस वीडियो में बोला था कि हमारे जुड़वा बच्चे नहीं हैं, और थंबनेल हमने यही लगाया था कि हमारे क्या हमारे जुड़वा बच्चे हैं, आगे से क्वेश्चन मार्क भी लगाया था। आप लोग समझ नहीं पाए और हम लोग को ना गंदे गंदे कमेंट कर रहे, वीडियो भी नहीं देख पाए और पूरी वीडियो भी नहीं देखते हो। चलो ठीक है, जिन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखे ना वही लोग कमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी लोग काफ़ी सब्सक्राइबर को तो पता ही था कि हमारे जुड़वा बच्चे नहीं है करके, और कुछ लोग होते हैं जो फैला ही देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और नेगेटिव वगैरह ज़्यादा। तेरे माइक वालों को भी यही कर रहे ना, तो काफ़ी मतलब हमको ना दूर दूर से फोन भी आने लगे थे कि मतलब वो लोग वीडियो नहीं देखते, मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर उन्होंने पूरी वीडियो देखी होती ना वो कभी ऐसा नहीं कहते। मेरे मतलब माइक के साइड वाले भी बहुत ज़्यादा चला था कि मेरे जुड़वा बच्चे, और जितने मेरे बच्चे हुआ ना हॉस्पिटल में भी लोग बोलते थे जुड़वा जुड़वा नहीं हुआ क्या, एक ही है क्या, एक ही है क्या बोल रहे थे, मतलब मम्मी बता रहे थे मेरे को बाद में, इतना जल्दी फैला दिया, उस टाइम पे होश नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग अच्छे से वीडियो क्यों नहीं देखते हो, अगर नहीं भी देखते हो ना तो मतलब जहाँ पे मेन पॉइंट हो ना वो तो देख लिया करो, क्योंकि क्या सच्चाई है करके। तो मैं यही बोलना चाहती थी आपसे, लेकिन और आजकल ना मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम भी नहीं हो रहा, और मेरे हस्बैंड जी को भी नहीं हो रहा, वो भी दुकान चले जाते हैं। हाँ एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है नम्मू का नाम। तो ना काफ़ी लोग कमेंट करे कि आप लोगों ने पुराने ज़माने का नाम लिख दिया, कल परसों नम्मू रोएगा ये वो, तो मैंने ये सोचा कि पंडित जी ने वो नाम नमन कर रखा है, अगर हमें छाटा होता चल नम्मू रोता वो अलग बात थी, अगर पंडित जी ने रखा है तो नमन भी कुछ सोच ही लेगा ना कि कल परसों उसका नाम पंडित ने रखा है करके, बाकी नए नए नाम से क्या ही करना है, अगर उसको ये नाम गंदे लगे तो बाद में वो चेंज भी कर सकता है। तुम्हारा रियल नाम भावना है? मेरा नाम रियल भावना है और अब लोग मुझे भूमि नाम से जानते हैं, तो वैसे नम्मू भी बाद में अपना नेम वगैरह चेंज कर लेगा, और इतने मतलब मॉडिफाई भी हम करना नहीं चाहते हैं ज़्यादा,
ज्यादा मॉडरेट मतलब इतना भी नहीं सोच सकते ना, नमन ठीक है, हमको तो सही लगता है, हमको भी सही लगता है। हमारा रियल नेम भावना मयंक है, लेकिन हम लोगों को लोग जानते हैं भूमि मयंक से, तो ये हमारा ना निक नेम है, हमारा रियल नेम ये नहीं है। इसी के साथ अब शाम की सब्जी की तैयारी भी करते हैं, और शाम की सब्जी में बनने वाली है तोरई और ये गिठी, जो हमारे पहाड़ों में आजकल बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। और तोरई तो मेरे लिए बनती है, क्योंकि मुझे यही तो सब्जी खानी होती है, तोरई लौकी वगैरह, तो पापा लेके आए थे परसों। सब्जी मैंने चढ़ा ली है, बाकी ना आटा गूंथने का काम मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी लोग अभी मुझे ना ज्यादा भारी काम वगैरह करने नहीं देते हैं, जिसमें मतलब ज्यादा जोड़ वगैरह पड़े। मम्मी तो नीचे नम्मू के पास है, पापा दुकान में ही है, और हस्बैंड जी दुकान से आके ना यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं। तो दीदी लोग यहाँ घर में नहीं है ना, तो ये गूंथ रहे, वरना दीदी लोग गूंथते मतलब दीदी बनाती है रोटी। तो और ना गाँव में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, बस हमारे घर पे ही है, क्योंकि हमने इन्वर्टर वगैरह लगाए हुए हैं, बाकी पूरा गाँव में ना सुनसानी है। तो फटाफट से खाना, हाँ ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो खाना वगैरह बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और ये रहे मेरे कामदार पति ना, दिन भर में ड्यूटी के साथ साथ यहाँ घर का काम भी करवाया जाता है आपकी बीबी से ना। ठीक तो है, बढ़िया है। आपको ये फेस देख के लग रहा है कि ये खुशी हो खुशी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है खुशी मुझे बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि मैंने जबरदस्ती करवाया है, ऐसा लग रहा है मैंने जबरदस्ती करवाया है। अरे मुझे अच्छा लग रहा है कर रहा हूं यार, अब तेरी हेल्प नहीं करूंगा अभी इस टाइम पर, तो कब करूंगा फिर। और आजकल जिम जा रहे थे, कैसा फील हो रहा? हां तो मैं थकान हो रही है बहुत ज्यादा, तो घर में और एक्सरसाइज जाती तुम्हारी ना। अच्छा मुझे पास, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ी देर बाद आ जाना, तो मैं नीचे जाती हूँ। और नम्मू को तो क्या ही दिखाऊँ यार, डेली डेली ना मम्मी लोग भी मना करते हैं, इसलिए मैं नम्मू को डेली डेली नहीं दिखा पाती हूँ। चलो जी मैंने आटा गूंथ लिया है, अब ना रोटी वोटी बनाते हैं, तब तक मैं ना इसके को बना देता हूँ, क्या बोलते हैं छोटे छोटे गोल गोल टाइप के बना देता हूँ, फिर आसानी होगी ना बनाने में फटाफट से। कैसा हुआ है भाई? हमारे पास टीवी कोई नहीं देखता ना, टीवी का ऐसा यूज हो रहा है, देखो ये नम्मू के कपड़े सुखाए जा रहे हैं टीवी में। कल तो मैंने चावल वगैरह बनाया था, लेकिन रोटी नहीं बनाई थी, सब्जी बनाई थी, मम्मी ने बनाई रोटी, तो आज मैं रोटी बना रही हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि रोटी नहीं बनानी चाहिए, मतलब ऐसे करके दर्द होता है, तो मैं ना रोटी बनाती नहीं हूँ अक्सुमन, मम्मी लोग ही बनाते हैं, मम्मी या दीदी बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ। और हमारा नम्मू उर्फ डुग्गू उठ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे कि डुग्गू ही बोलो, और काफ़ी लोग बोले नम्मू ही बोलो, तो अभी ना वो अपने पापा के यहाँ खेली खेली कर रहे हैं, तो इसके नीचे डाला हुआ है इन्होंने, तो उसका फेस वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। बाकी हम बाकी ना काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि उसे नजर लगी होगी, और उसकी नजर उतार देना, तो अभी हमने नजर उतारी नहीं है, तो हम सोच रहे हैं नजर उतारने की आज, तो आज हमने इसकी नजर भी उतारेंगे, फिर ये ज्यादा सोएगा। हमारे रात का खाना भी बन चुका है, बाकी ना आज हम खाने के लिए नीचे लेके आए सारा सामान, क्योंकि टुगर होता है, तो हम दो जने करके खा रहे थे, लेकिन हमने सोचा साथ में खाते, क्योंकि साथ में खाए जैसे भी लगता है, तो हमने ना डुगो को पापा के चारपाई में रख दिया, अब हम यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। हमारा नम्मू देखो आया बैठा हुआ, आज सोया है, हम लोग फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो ही जाते हो, कहाँ से मिलते हो? हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है, बाकी हम ऊपर आ चुके हैं, बर्तन और जो बचा हुआ खाना था ना उसको ऊपर लेके आ चुके हैं, तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं, और मैं कर रही हूँ दूध गर्म, तो फटाफट से ना बर्तन वगैरह धो लेते हैं। और आजकल मेरे ना थोड़ी कमर दर्द हो रही है, मतलब जहाँ पे इंजेक्शन वगैरह लगते हैं ना उसकी वजह से, तो मेरे हस्बैंड जी कभी कभी किसी चीज़ में हेल्प करते रहते हैं, तो जैसे कि ये अभी बर्तन मल रहे हैं ना। क्या बोलना चाहोगे? बस क्या है, जब तक सही नहीं होती है तब तक काम मत कर देता हूँ। और आज फिर से हमारे घर में आई है ये हरी ककड़ी, तो हमारे घर में तो हुए नहीं है, और इधर उधर से पापा लोग जाते रहते, तो वहाँ से लेके आते रहते हैं, मैं तो खा ही नहीं सकती इस बार की ककड़ी, और तो फिर ऐसी ये लोग खाते हैं तो मेरे मुंह में पानी भी आता है, हरी हरी पिसी नमक के साथ हरी ककड़ी, वाओ क्या टेस्टी होती थी यार, लेकिन मेरे को खाने का मन लेकिन मजबूरी है, मेरी फेवरेट चीज़ें मैं नहीं खा सकती हूँ, जैसे कि मुझे खीर अच्छी लगती है तो मैं खीर भी नहीं खा सकती हूँ, और मैं खीरा और ककड़ी भी नहीं खा सकती हूँ, तो मुझे जो पसंद है ना वही नहीं खा सकती, मोमोज वगैरह तो चलो मेरे को उतने पसंद है नहीं, मैं कभी कभी खा लेती हूँ टेस्ट वगैरह। आजकल तो मेरा खाना ही बंद है मोमो चाउमीन,
क्योंकि जिम जा रहे हो। अच्छा हो गया मेरे को, वरना हस्बैंड जी का दुख लगे रहता था कि हम बार बार ना मोमोज वगैरह खा के आ जाते थे, बर्गर वगैरह, फिर घर आके खाना नहीं खाते थे। आजकल एक चीज तो ठीक हो रहा है कि ये घर का ही खाना खा रहे हैं।